हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था जी, तो अनफॉर्चुनेटली खाली एक सैक्सोफोन था जी, तो इस बार कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कमाल के हैं सर, हर एक इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या बताएं, इस इंस्ट्रूमेंट का ऐसा है कि एक ऐसा टाइम था जब फ्लूट को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था, लेकिन जब से ये हुआ क्या बात है? जी सैक्सोफोन से कुछ हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। कि भाई इतना बजा दिया, क्या बात है सर। सो प्राउड ऑफ यू सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड सिंग विद कपिल। हम लोग इतने इम्प्रॉम्प्टू चीजें करते हैं स्टेज पे आके कि पहले से प्रिपेयर करने का मन ही नहीं करता है। ही इज सच अ ब्रिलियंट सिंगर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग ब्रदर। थैंक यू, जोरदार तालियां एक बार राघव के लिए। टाटा टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा। पाजी देखो, मतलब मैं जा रही हूँ, इनको वो ही नहीं हो रहा, मैं चली जाऊंगी, कितनी फिकर है मेरी इनको। हम तो इसलिए आ रहे हैं कहीं आप वापस ना आ जाओ। ए, भागो यहाँ से, चलो बना है ना, ऐसा एनेस्थीसिया दूंगी ना कि सोचती रहोगी हुआ क्या मेरे साथ। जाओ यहाँ से। इधर आ, तू आटे में गिर गई थी, ये क्या बन के घूम रही, कहाँ जा रही है तुम? मैं डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी के बेटे के मुंडन पे जा रही हूँ, चलोगे? वाह, बड़ी लंबी लाइन बोली तुमने। My God, इतनी बड़ी गेस्ट आए। हेलो, हाय एवरीवन, हाय कार्तिक, आई एम सल्ला, हाय इज गुड। वैसे अच्छा आप लोग यही मिल गए। वो क्या है ना, मैं एक्चुअली गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। मनाने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट है सर, इनकी मार उठ गई, पिताजी मनाने गए, ये हो गई। तो मनाने में बहुत एक्सपर्ट है सल्ला। बाहर धूप बड़ी है, प्याज खा के जा ना, तुझे लू लगेगी ना कोई तेरे मुंह लगेगा। चलो, क्या है ये, क्या थर्ड क्लास वाली बातें कर रहे हो? अच्छा, और वैसे भी मैं गोंडा नहीं जा रही, मैं लंदन जा रही हूँ। जिसको तू लंदन बोलती ना, उसको मुलुंड कहते हैं, ये जो टाय मार के। कूद मत बोल। आप प्लीज कपू को समझाओ कि लंदन एक्चुअली में एक दूसरे कॉन्टिनेंट में है, सात समुंदर पार, जहाज में जाना होता है और जहाज में पायलट होते हैं। नहीं, मैं भी पहली बार ही गया था इस फिल्म के चक्कर में। बट आप गए तो थे ना, आपको पता है कि वो मुलुंड नहीं है। मुलुंड नहीं है। सही, कौन सा जहाज होता है आपको बताया कि वही वाला जो ऐसे ऐसे करके करके चलता है। नहीं चलती, कुछ सेल्फ स्टार्ट भी होते हैं।
कोई भी आता ना सबको बोलती है कि ओ माय गॉड आप आए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस दिन तो पीटा वाले आए थे, उनको बोले अरे वाह मेरे दादाजी बहुत बड़े ऊंट थे। ऊंट नहीं शेर थे, शेर। मेरे दादाजी पाजी अकेले 20-20 लोगों से लोहा लिया है उन्होंने। पूरी बात बताना, लोहा नहीं खाली पुरानी बोतलें प्लास्टिक ये वाला सब। हाँ। और आवाज तो क्या मस्त थी, क्या बोलते थे, क्या सुरीले थे। लोहा ले प्लास्टिक ले। बकवास बातें कर रहे हो तुम, कब्बू तुम रहने दो। परेश सर मुझे एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना था कि आप तो लंदन इतना आते जाते रहते हैं, तो लंदन का माहौल कैसा है? वो क्या है ना, मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट लंदन ट्रिप है, तो माहौल बड़ा अच्छा है, वहाँ बियर भी मिलता है, बड़ा अच्छा है। माहौल अच्छा है, बस तूने जाते खराब करना है बस। यहाँ पे मॉडल बन के आई है परेश जी, ये अभी बाहर निकलेगी ना, ये अभी ऑटो वाले को बोलेगी ए क्या मांगता है, क्या क्या पत्ती बोलती है। उस दिन पत्ते खेल रही थी, पत्ते खेल रही थी, पुलिस आ गई, इसने सब्जी बना रही थी उसमें डाल दिए, कहती ये क्या आ रहा है, कहती मैं तो पत्ता गोभी बना रही हूँ। कम से कम मैं गोभी बना तो सकती हूँ, यहाँ तो कोई सिर्फ बातें बनाता है। आप ना प्लीज इनकी बातें मत सुनिए, लेकिन प्लीज बताइए ना लंदन में देखने के लिए क्या क्या है। बिग बेन है, बड़ी सी घड़ी है, मौसम अच्छा होगा इस वक्त तो फिर ओवरकोट। हाँ हाँ एक एक लेकर जाना, और एक ध्यान रखना हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे, कोई चीज उठानी नहीं, वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। हाँ हाँ मुझे हाँ। वो सब पता है, मेरे खानदान का अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, आई नो दैट। पूरी बात ना बताना कैसे उठना बैठना था। देखो तुम शुरू मत हो जाओ फिर से। ऐसे इनके दादाजी बैठे होते थे, अंग्रेज आते थे टपली मार के बोलते चल बैठ। अंग्रेज बैठ जाते। पूरी बात बताना, पार्क में जाते थे। तेरा लंदन में कौन रहता, वहां पे कोई पान वाला भी नहीं है। प्रॉपर कपड़े का काम है, मौसी का लड़का मेरा कजन है। देखो गाड़ी पे कपड़ा मारना उसको कपड़े का काम नहीं बोलते, ये गलत है। तुम कार्तिक से सीखो, लड़कियों से कैसे पेश आती। लुक एट हिम, सच अ क्यूट गुड लुकिंग बॉय। देखो उसकी पेशकश भी देखो ना, तुम देखो पेशकश, जाओ जाके किसी का वॉश बेसिन खोलो जाके, आ जाती है बीच में। तुम्हें जलन हो रही है ना क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ, सच सच बताओ। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तू सरवाइव कैसे करेगी वहाँ पे। मतलब तुझे पता है लंदन में कौन सी करेंसी चलती है? हाँ मुझे पता है, दादाजी ने मुझे बताया था। दादाजी ने पूरा क्या बताया था वो बताना फिर। क्या मैं आपको बताऊं, होटल में खाना खाने गए, वो कहते आप पेमेंट जो है बाय कैश करेंगे बाय चेक, कहते बाय हैंड, कहते करो, कहते ये लग। देखो तुम्हारी कदर बहुत कर ली मैंने, कहीं गदर ना कर दूं मैं। ओए तालियां भी। कबू मैं सच कह रही हूं, मैं चली जाऊंगी। फिर जा, फिर जाती क्यों, धमकियां देती रहती है। हाँ ठीक है मैं जा, लेकिन जाने के पहले कार्तिक मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट दे, अच्छा सा। मेन बात तो जैसे इन्होंने ना भीख के नए नए नाम निकाले, फेयरवेल गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? इस इनकी फिल्म से एक गाना, उसका डांस। चलो कर लेता हूँ डांस, आप आ जाओ। पर कोई नहीं पाजी, इतना अच्छा फेयरवेल गिफ्ट, मैं सोचूं मेरा वेकेशन तो यहीं पे बन गया, तो फिर मैं लंदन वंदन कैंसिल ही कर देती हूँ। अगर तू डांस करती तो दिखाई दे देता। मैं जा रही हूँ। क्या अंकल कोड मैंने कैंसिल कर दिया अपनी ट्रिप तुम्हारी लिए। खबरदार सरला गुलाटी, इस घर के सारे दरवाजे सारी खिड़कियां सारे चूहे के बिल सारे गटर के ढक्कन तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ लेकिन अगर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के तुम थोड़ी कार्तिक के जैसे दिख सकती हो तो मैं तुम्हारी शक्ल देख लूंगी फिर भी। पंपर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े गेस्ट है, कुछ तो ख्याल करो। ओ हाँ वही मैं सोच रही हूँ, लंदन के इतने इतने प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हो और मैं ढोकली से बात कर रही हूँ। ढोकली फाफड़ी कहेगी, मतलब क्या सोचेंगे वो लोग, कैसी बातें कर रही हो तुम। हाँ 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 इस तरह बात नहीं करनी चाहिए मुझे इससे इस तरह बात करनी चाहिए। वैसे नमस्ते परेश जी, नमस्ते तन्वी जी, हाय कार्तिक, हाय कृति, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर, और दिन में 10-10 बार खाती है जमकर। तू बातें जरा कम कर, थोड़ा सा टाइम निकाल के शर्म कर, पड़ोस में खाना बन गए जाके उसे हजम कर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा दिमाग मत गरम कर। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ऐसे लड़ता कोई? तो कैसे ईंट लो एक दूसरे का सर फाड़ो, खत्म करो काम। वैसे कबू शर्मा आज से आपको बड़ा मजा आ रहा होगा ना, क्यों इतने बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। सुनो
तुम अपने वेस्ट पे ध्यान दो, अंधेरी वेस्ट से ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे मैं तुमसे एक बात करना तो भूल ही गई। क्या? ए, चल 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 चल। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना। पागल। वैसे परेश जी, मैं आपको एक दिल की बात बताना चाह रही थी। मेरी जिंदगी है ना परेश जी, एकदम हांडवो जैसी हो गई है। सच में पता नहीं कब कोई ढोकला मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे इस जिंदगी से थेपला के ले जाएगा। ये क्या बकरी है? बकरी नहीं, भाकरी होती है। गुजराती का कुछ भी नहीं आता आपको? कहाँ इस आदमी को बिठा दिया परेश जी का इंटरव्यू लेने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं सोनी से आपकी कड़ी से कड़ी निंदा करूंगी और साथ में थोड़ा सा कड़ी चावल भी कर दूंगी। सारा दिन तो पेट का ही काम करती रहती, कभी कुछ दिमाग में सोच भी लिया कर, भूसा भर ले दिमाग में। कुछ भूसा नहीं होता, भूसू होता है। देखिए मैं बता रही हूँ ना, गुजराती का कुछ भी नहीं पता है। खैर ये इतना फोर्स कर रहे हैं तो अभी के लिए मैं जरा चली जाती हूँ। ओके ओके बाय। ओके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा मैं एक सवाल था जो सबका था ऑडियंस में से, कि हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, हंगामा, मालामाल, वीकली प्रेशर, आपने हमेशा धोती बनियान पहनी है, तो आप इतना पैसा चार्ज करते हैं कि प्रोड्यूसर के पास धोती बनियानी बचती है? मैं उतना ही चार्ज करता हूँ कि वो धोती बनियान में ना आ जाए। तुम वापस आ गई? जी मैं आ गई वापस। तुम एक चीज भूल गई थी अपनी, वो लेते जाती तुम्हारी हग। कम ऑन बेबी। आपका हग किसी और को दे तो मैं कार्तिक से ले लूंगी। हाय हाय एवरीवन, आई एम लॉटरी। हाय हाय हाय। कार्तिक की ऐसी लॉटरी है किसी की नहीं लगती। सुनो, लॉटरी उनकी खुलती है जिनका किस्मत होता है, राइट कार्तिक? कहाँ गई थी इतने दिनों से? गोवा गई थी। अरे गोवा क्यों गई थी, हमें बता देती, इधर ही गोवा बना देते। हम तो अंदर से गोवा ही है, हम भी बहुत ज्यादा गोवा है। मैं कभी कभी ऐसे ही इधर खुद ही उल्टा लेट जाता हूँ, सोचता हूँ सामने बीच है। वो गोवा नहीं, गवार कहते हैं। ओह यार। परेश जी आप सरकार में हो, आप प्लीज मेरे लिए एक काम करो, एक एंटी कप्पू स्क्वाड बना दीजिए, ये हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते हैं। अच्छा तो गोवा कौन सा देवी के दर्शन करने गई थी, उधर भी तो यही सब करने गई थी। तुम्हारी याद में मैं बीमार हो गया, तुम्हें पता? बीमार हो गया? हाँ डोंट वरी, मैं अभी इलाज करती हूँ, ठीक है आपके लिए। बम्पर सबसे नुकील जो सिरिंज है लेके आ जाओ। ओए कोई पेशेंट के साथ ऐसे करता है, सबसे नुकील सिरिंज ले आओ। आपका तकलीफ क्या है? थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ी ससुर की है, एक जोड़ी सास ससुर चाहिए। देखो खेतों को अच्छा खाद और मेरी माँ बाप को अच्छा दमाद चाहिए। वोकैबुलरी दिन बर दिन अच्छी होती जा रही है। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ इंटरव्यू में पार्टनरशिप कर लो। मैं इंटरव्यू में क्या करेगा भाई, ये तो सवाल ही पूछने होते हैं कि यार कहाँ थे, इतनी लेट क्यों आए, वो कौन थी, ये सब वापस शुरू किया तुमने। मैं जा रही हूँ, बाय। ग्लैमर है शो में सर। आ गई तो मुंह टैन करा के। हटो, मुझे जाने दो। मैं क्यों जाने दूं, इस घर में तुम्हारी एंट्री बंद है। आपके बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो? बड़ी बहन? हाँ बड़ी बहन, ये मेरी बड़ी बहन है। बताइए, मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी, जब मर्जी आती है चली जाती है, जब मर्जी होती है वापस आ जाती है। मैं क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ? बंपर तुझे शर्म नहीं आती, औरतों की लड़ती है तुम, अच्छा सा लड़का देख के मेरे से शादी क्यों नहीं करवा देती उसकी? नो वे। तन्वी जी आपको पता है जितना ये बात करते हैं उसकी बीवी को लगेगा कि ये उसकी बीवी है। परेश सर मैं आपको बताऊं, बहुत परेशानी चल रही है, ये मुझे अकेला छोड़ के चली गई, जितने भी पेशेंट्स हैं ना सारे के सारे पेशेंट मुझे अकेले देखने पड़ते हैं। इतनी मोटी मोटी आंखें भगवान ने दी है, आपको दो मरीज नहीं देख सकते थे? इतनी खराब हिंदी भगवान ने दी है, दो मिनट चुप नहीं रह सकती थी? चलो निकलो यहाँ से। मैं इधर नहीं रहते तो कहाँ रहते? लॉटरी तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं, रहते तुम इधर नहीं रहते, तुम इधर मेरे यहाँ रह लेते। लॉटरी तुम इतने बड़े हॉस्पिटल को छोड़ के कप्पू के छोटे से घर में कैसे रह सकती हो? ये कुर्बानी मैं दूंगी, कप्पू के घर में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। तू ज्यादा धोखे में रहा तो उसी में अच्छी लगती है, पर ये बात है तो अब जो चेंज करके आई ना, अब तू पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है।
इसे रख सकते हो, मुझे क्यों नहीं रख सकते घर में? देखो आइसक्रीम को फ्रिज में ही रखना पड़ता है, बाकी आलू प्याज तो कहीं भी रह लेते हैं। वैसे भी ये आलू नहीं है, ये चालू है। चालू है तो कोई बंद क्यों नहीं करते? ए चुप कर, ओके, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर तो तू ही उठ जाएगी। देख तू टंकी की औला, तू चुप रहे। ए मेंढक की सहेली, चल 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 चल। बम्पर आप क्यों इतना भड़क रहे हो? देखो मैं तेरे लिए क्या लेके आए हूँ। अच्छा ये खाना दिखा के तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा? कम तो नहीं लेकिन ठंडा जरूर हो जाएगा। पहले बताना चाहिए ना इतना सारा खाना मेरे लिए लेके आई हूँ। थैंक यू मेरी बहन, आओ गले लग जाओ। गला है नहीं, चले गले मिलने। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।